से बैंगलोर का पूरा सफर तो आप लोगों ने देख लिया है पिछले ब्लॉग में। तो अब बात आती है बैंगलोर घूमने की, उसका भी इंतजाम है, चले निकलते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल, इट्स मी अकबर बैक विद अनदर ब्लॉग। टुडे इज 28th of December 2018 और अभी बज रहे हैं 12। आज के हम लोग का प्लान है टीपू सुल्तान पैलेस का और बैंगलोर पैलेस का। अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सा पहले करेंगे, लेकिन ये दो का प्लान है। और बिलीव मी गर्मी बहुत है यार यहाँ पर, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग थोड़ी तो ठंड होगी यार, मैं जैकेट वैकेट ले और यहाँ पे बहुत गर्मी है। खैर चलते हैं। जो पहले से बहुत ही ज़बरदस्त देखने में, और एंट्री वेंट्री के कुछ पास टिकट बुकिंग भी है, तो देखते हैं टिकट्स किधर की तरफ है और बताते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में। तो बैंगलोर फूड में इंडियन होने का बहुत फायदा है, यानी कि 240 रुपीज पर हेड। और अगर फॉरनर हुए तो जेब खाली करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उसका प्राइस है 480 रुपीज, यानी कि जस्ट डबल। और हाँ, कैमरा का अलग चार्ज है। फोर्ट में आपको ऑडियो गाइड डिवाइस मिलता है, जिसे आप हर रूम में लिखे हुए नंबर को प्रेस करके उस रूम की पूरी हिस्ट्री जान सकते हो। बैंगलोर फोर्ट 1537 में बना था और फिर 1761 में हैदर अली ने इसको मड फोर्ट से स्टोन फोर्ट में कन्वर्ट कराया। अब भैया व्लॉग में मैं हिस्ट्री डाल के अपने व्लॉग को आइंस्टाइन की हिस्ट्री क्लास बिल्कुल नहीं बनाने वाला हूँ। सो गाइज, इट वॉज रियली नाइस प्लेस, एटलीस्ट मस्ट विजिट फॉर वंस, एक बार विजिट करो यहाँ पे और इट्स ए गुड प्लेस। खैर चलते हैं, अभी हम चल रहे हैं टीपू सुल्तान पैलेस, तो मैं वहाँ कंटिन्यू करता हूँ। सब लोग आ गए हैं टीपू सुल्तान सबर पैलेस में और अच्छी जगह लग रही है, लाइक इट्स काइंड ऑफ की लाइक हवा हवा के लिए। आप देखो अंदर चलते हैं और देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो। टीपू सुल्तान समर पैलेस मुझे ऐसा लगा कि ये बेसिकली इनका मीटिंग हॉल था, जहाँ पे ये सभा होकर करते थे, लाइक यहाँ प्रजा बैठी थी। ऊपर आज मैं दिखाता हूँ पार्ट, आप देखें लाइक यहाँ बैठते थे टीपू सुल्तान और यहाँ पूरी जो प्रजा की प्रॉब्लम्स थी वो सब लोग यहाँ से बोलते थे और यहाँ से वो शायद डिसीजंस लेते होंगे। बाय द वे कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है यहाँ का। सो गाइस, ये था टीपू सुल्तान समर पैलेस, इट्स अ गुड प्लेस, एक बार विजिट करना ज़रूरी है। तो आई अपडेट यू गाइस, हां चलो। सो गाइस, इन बैंगलोर वी आर राइडिंग ऑन अ होवरबोर्ड। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और इट वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस। लाइटिंग थोड़ी कम, एक्चुअली मैं अपने कजिन वो फिर बंद हो गया। भैया पूरे दिन घूमने के बाद थक हार के सो गया, बिकॉज़ अगले दिन जाना था मैसूर। Guys, today is day 3, 29th December 2018 और आज का प्लान है मैसूर का। मैसूर यहाँ से है 167 किलोमीटर्स, अराउंड 3 आवर्स लगेंगे यहाँ से, तो लेट्स गो। अब रोड ट्रिप पे खाना पीना ना हो तो रोड ट्रिप कैसी, देख लो। सो गाइस, करेंटली वी आर इन श्रीरंगनम पट्टनम। एक्चुअली मैसूर जाने के रास्ते में पीछे पड़ता है श्रीरंगनम पट्टनम, यहाँ पे है टीपू सुल्तान का समर पैलेस। मींस जब गर्मी होती थी तो टीपू सुल्तान यहाँ पे आ जाता था, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है।
हमने प्लान करा था श्रीरंगनमपट्टनम का अलग से करने के लिए, लेकिन जब हम यहाँ से पास कर रहे थे तो हमने सोचा कि यार क्या दोबारा इतनी दूर आएंगे, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे का ट्रैवल मोर देन 3 आवर्स इवन, तो क्या फ़ायदा था दोबारा आने के, तो इसलिए हम लोगों ने आज के दिन ही कर लिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ श्रीरंगनमपट्टनम का समर पैलेस। सो इट्स द गार्डन हाउस ऑफ टीपू सुल्तान, यहाँ वो बैठ के सामने बिल्कुल यहाँ गार्डन है, वहाँ पे वो एंजॉय कर रहे थे पूरे गार्डन के सीन्स। सो पेंटिंग्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो पॉज करके आप पढ़ सकते हो पूरा, ये है पूरी पेंटिंग्स। बेसिकली आपको बता दूँ कि ये पूरे जितने रूलर्स थे उनकी सबको पोर्ट्रेट करती है पूरी पेंटिंग्स, और ये पूरी वॉल्स पे बनी हुई है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मस्ट बी हैदर अली। पूरा म्यूजियम दिखाने का टाइम तो है नहीं, तो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। सो गाइस वी आर ऑन द सेकंड पॉइंट, दैट इज गुंबज, द डेथ स्पॉट ऑफ टीपू सुल्तान। सारे पॉइंट्स मे बी कवर ना करें बिकॉज 1:30 ऑलरेडी हो चुका है और मैसूर भी कवर करना है, तो देखते हैं जितने पॉइंट्स कवर हो सकते हैं उन्हें कवर करें। देखो था गुंबज द डेथ स्पॉट ऑफ टीपू सुल्तान। एम रियली सॉरी, वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं थी, सॉरी टीपू सुल्तान जी, क्या करूँ, दुनिया को दिखाना पड़ता है। खैर इट्स टू हॉट टुडे, और अभी टेम्परेचर हो रहा है 22 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, टू हॉट, रियली टू हॉट। तो गाइस हमारे थर्ड पॉइंट पे, दैट इज संगम ऑफ 3 रिवर्स, कावेरी, भवानी और यमावती, इन 3 नदियों का यहाँ संगम यानी कि मेल है। तो देखिए तो ये था संगम ऑफ सिनेमैटिक शॉट्स, आपने एंजॉय करे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो गाइस द नेक्स्ट लोकेशन इज दिस मैसूर फोर्ट, यहाँ की लाइन बहुत लंबी है फ्रॉम द हाँ तक, यहाँ से टिकट्स लेने हैं फिर लाइन में लगना है वहाँ जाके, वहाँ तब जाके नंबर आएगा, 1 घंटा मान लो। तो गाइस आधे घंटे के बाद हम लोग आ गए हैं अंदर मैसूर पैलेस में, और अभी टाइम हो रहा है 3:35 और बंद हो जाएगा 5:30 बजे। So, जो भी करना है जल्दी करना है। So, guys, ये पूरी लाइन लगी हुई है वहां से वहां तक के लिए। उसके बाद दोबारा से शायद भीड़ है, देखो आज बहुत भीड़ है, और देखो यार क्या देखने को मिलता है ये, और दिस इज द सभा प्लेस। सो गाइस ये था पैलेस, बहुत भीड़ थी, आई डोंट नो क्या वीडियो बनी है, बस एडिटिंग का टाइम पता चलेगा अब। तो चलते हैं बाहर, वहां जहाँ जूते उतारे थे, फिर उसके बाद देखते हैं कहीं और का कुछ, यहाँ और क्या क्या है। सो गाइस पैलेस के बाद है अब यहाँ पे एक नई चीज, देखो बस अब पेड़ ना लगे। सो ये पूरा बना हुआ है फ्लावर्स से।
सो इस फ्लावर शो के अंदर इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं और उसके ऊपर उन्होंने फ्लावर से डेकोरेट कर रखा है, आप देखो। सो गाइस, जगह नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन आज रश बहुत था। मैं सैटरडे था और स्कूल्स की बहुत सारे स्कूल्स की पिकनिक आई हुई थी, तो आई प्रेफर यू कि आप वर्किंग डेज में आओ, थोड़ा खाली मिलेगा। बहुत लंबा हो गया 11 मिनट का। अब जैसे मैंने कहा था कि इसके दो पार्ट्स आएंगे, तो पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, लाइक इस ब्लॉग की एडिटिंग 6 घंटे से कर रहा हूँ, 12 बजे से लेके अब टाइम हो रहा है 6, तो 6 घंटे हो गए मुझे एडिटिंग करते हुए, आवाज़ भी खराब हो गई। So that's about it for this vlog guys, hope you all have enjoyed this vlog, vlog पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, इस बार एम करते हैं 100 likes का, 100 likes हो जाएंगे। वीडियो में मौका मिलेगी तो तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में शो कर दो, मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंक्लूड करूँगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब भी कर लो, फ्री है, बेल आइकन भी दबा लो, बिकॉज नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।